ट्रांजिटिव, इफ ए कॉमा बी, बी कॉमा सी बिलोंग टू द रिलेशन, इफ दे बोथ बिलोंग टू द रिलेशन देन ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव। अगर ये दोनों रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं तो ये वाला भी बिलोंग करेगा। क्लियर? तो अपन ने माना ये सेट ए है, ये एक रिलेशन बन रहा है। तो अगर मैंने यहां लिख दिया 1, 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, 2, 3 बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1, 3 मस्ट बिलोंग टू द रिलेशन। अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं और ये भी बिलोंग कर रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलेंगे। यस, इट इज ट्रांजिटिव। लेकिन अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं और ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो भी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये यहां तो ट्रांजिटिव होगा लेकिन यहां ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें, अगर कभी ऐसा हो 1, 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, 2, 3 बिलोंग कर रहा है या 2, 1 बिलोंग कर रहा है, क्लियर, और अगर 1, 1 बिलोंग कर रहा है तो भी ये ट्रांजिटिव होगा। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, यानी कि ये यहां कहीं नहीं लिखा हुआ कि ए बी सी तीनों की वैल्यूज अलग अलग होनी चाहिए, सिमिलर वैल्यू भी हो सकती है। ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, तो ये बन गया ए कॉमा सी। ठीक है, ये सिचुएशंस होती है ट्रांजिटिव होने की।